ये जो एरिया है बाड़मेर से मोनाभा वाला एरिया, जैसा अभी आपने भी बताया, सीमावर्ती है और ये हमारे हेडक्वार्टर से सबसे दूर एरिया में है। तो इसकी यहाँ पे क्या क्या यात्रियों की सुविधाएं हैं, उसमें सेफ्टी की चीज़ें हैं, जैसा कि मालूम है कि विंटर्स भी आ रही हैं, विंटर के प्रिकॉशंस क्या क्या हो रहे हैं, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जैसे अभी स्पार्ट का इंस्पेक्शन किया है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारी वर्किंग कंडीशंस में हैं। और एक ये रूटीन इंस्पेक्शन है, मगर इसको थोड़ा मैंने सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किया है। तो क्या एक्चुअल ग्राउंड पे स्थिति है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे, एक दो दिन के नोटिस पे भी यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो ग्राउंड रियलिटी को मैं एक इंस्पेक्शन जैसे कर रहे हैं, अपनी पूरी जोधपुर डिवीज़न और DRM जोधपुर के जो भी ब्रांच ऑफिसर्स के साथ में एक इंस्पेक्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, सीमावर्ती जिला होने का सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ कोई अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे या सुरक्षा बढ़ाने को लेकर? अभी डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट RPF से मैं यही बात कर रहा था, यहाँ पर ACP के केसेस कितने हैं ट्रेन में, कितनी ट्रेन में एस्कॉर्टिंग हो रही है, और कुछ थेफ्ट केसेज हैं कि नहीं है। एक संज्ञान में आया थेफ्ट केस है, अभी मैंने उनसे चर्चा की है कि उस थेफ्ट केसेस को जल्दी से उसका समाधान निकालें, उसमें कौन लोग हैं कल्प्रिट, लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास करें, GRP का सहयोग लें, उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए हैं। सर, जब से आपने ज्वाइन किया है उसके बाद रेलवे के कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को प्रथम ध्येय बनाया है, उसको लेके क्या क्या नए कार्रवाई या नए नए चीज़ें की जा रही है? देखिए, ज्वाइन करने के बाद में तो जो सबसे पहला तो ये है कि अभी ये जो राजस्थान का एरिया होता है, ये दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, इसके लिए ट्रैक की पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। हर पेट्रोल मैन को एक इक्विपमेंट दे दिया गया है, जिससे कि उसको हम GPS के थ्रू उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा इधर तो इतना कोहरा नहीं है, लेकिन बीकानेर डिवीज़न की तरफ कोहरा ज़्यादा है, तो एक फॉक्स सिग्नल सेफ डिवाइस होता है, वो सारे के सारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में लोगों को फॉक्स सिग्नल सेफ डिवाइस इक्विपमेंट्स जो हैं दे दिए गए हैं, लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट को, और भी जो हमारे रूटीन मेंटेनेंस और जो विंटर प्रिकॉशंस हैं वो सारे पे कार्रवाई की जा रही है, और उस पर बीच बीच में सारे DRMs के साथ में समीक्षा होती रहती है, और ये हमारा प्रक्रिया है जिसको कि हम उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। सर, आपसे पहले जो GM रहे वो DRM सर या मैम तक या फिर जो उच्च अधिकारी थे वहाँ तक अपनी कार्यशैली सीमित रखते थे, आपकी सीधी पकड़ और सीधा फोकस भी गैंगमैन तक है, ठीक है, वो अपने आप में कितना यूनिक है, वो कैसे चीज़ें? देखिए, जो भी सुधार होता है वो नीचे से लेकर ऊपर को सबको एक साथ मिलकर करना होता है, और हम इसी प्रयास के साथ आगे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो सुरक्षा की बात हुई है, हमें रेलवे की अर्निंग पे भी बड़ा ध्यान देना होता है, जिसके बारे में काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहते हैं कि DRM जोधपुर ने बहुत सारी चीज़ों की लोडिंग जो पहले कम थी या जो पहले कम होती थी उसके नई लोडिंग के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सारी नए गुड शेड या नई लोडिंग भी हमने शुरू कर दी है, और पूरा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोडिंग करें। सर, बहुत कम GM है जिनके जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन की, उनमें से एक आप हैं। फिर से ट्रेन भारत पाकिस्तान के बीच में शुरू होने को लेकर कवायद होती है, तो उसके बाद में सुरक्षा के लिहाज से और नवाचार के लिहाज से कुछ प्रयास किए जाएंगे? अभी मैं इस संबंध में आपको कोई चीज़ ज़्यादा डिटेल में नहीं दे सकता हूँ, ये रेलवे बोर्ड से जैसा भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा बोर्ड से डायरेक्टिव्स मिलेंगे और बातचीत होगी, तब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल, लंबी दूरी की ट्रेनें मुंबई की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या फिर जो मालानी बंद हो गई है, दिल्ली नहीं चल रही है, उसको लेके काफ़ी मांगे चलती आ रही है जनता की, उसको लेके रेलवे बोर्ड को या फिर रेलवे मंत्रालय को आपकी तरफ से कुछ देखा जाएगा, कहा जाएगा? बिल्कुल, जैसे देखिए, आपको कोविड के बाद में तो कोविड के समय में तो ट्रेनें काफ़ी कम हो गई थी, अब करीब करीब सारी स्थिति आती आ रही है कि हम लोग जितनी भी ट्रेनें हमारी पहले चल रही थी, मेल एक्सप्रेस तो करीब करीब पूरी रिस्टोर हो गई हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो हम डिटेल में अब रिव्यू कर लेंगे, एक आध कोई बची हुई है, और इसी तरह से अभी आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में सारे उनके नंबर्स भी जो पहले स्पेशल से थे, हॉलीडे स्पेशल के नाम से थी, उनके नंबर भी रिस्टोर हो गए हैं, और आगे ट्रेनों का चलाना सुचारू रूप से करने के लिए हमारी रेलवे बोर्ड से चर्चा होती रहती है, जिससे कि हम अपने नॉर्मल ट्रैफिक पर आ सकें और अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकें। थैंक यू।